कि किसी क्षेत्र में कैमरे लगे हैं तो उनका मनोबल पहले ही टूट जाता है। बहुत से मामलों में जो हम फुटेजेस मिली उससे हम लोगों ने सही सागरसी की, अपराधियों की धरपकड़ की गई और उनको जेल भेजा गया। और यह भी देखने में आया कि जहां पर कैमरे की फुटेजेस थी तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया और उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, जो विवेचना थी, उसकी गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ। हम सभी लोग, गाजियाबाद पुलिस के सभी कर्मी, अपने अपने क्षेत्र के, अपने हलके के, अपने बीट के, अपने चौकी इंचार्ज, अपने थाना इंचार्ज के जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोगों से अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे अपने यहाँ लगाएं और उसका एक, अगर वो 4 चैनल का या 8 चैनल का आपका DVR है, उसका एक कैमरा कम से कम बाहर मेन रोड की तरफ जरूर रखें। और यह भी देखने की उसकी दिशा है, वो जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है या जो सवारियां हैं जो जिस तरफ को चलती हैं रोड के लेफ्ट साइड में, उस तरफ से हो ताकि फेस की साइड वो कैमरा रहे और गाड़ी का नंबर भी उसमें आ जाए। जो DVR होते हैं लगभग कोशिश करिए कि 15 दिन की स्टोरिंग उनमें अवश्य रहे। मैं यह भी कहना चाहूंगा सभी यहाँ की जनता से कि एक ये अपने आपकी जो इस तरह से एक कैमरा है आप DVR चैनल का, पहले कैमरे लगवाएं, उसमें से एक कैमरा आप पुलिसिंग के लिए उसको डोनेट करें, डोनेट कैमरा स्कीम इसको कह सकते हैं, जो लगा आप ही के गेट पे होगा, आप ही के बाहरी परिसर में लगा होगा, लेकिन स्थानीय पुलिस को उसकी काफी लाभ मिलेगा आपको सुरक्षित करने में। मैं सोचता हूँ कुछ थानों ने इसका प्रयोग किया, उन थाना क्षेत्र में लोगों ने काफी मदद की है और वहां पर अपराध भी कमी आई है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि अन्य थाना क्षेत्र, अन्य सभी लोग, चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेटअप है, चाहे कमर्शियल सेटअप है, चाहे आपका रेजिडेंशियल सेटअप है, कोई सा भी सेटअप है जो कि किसी भी जो उसके सामने जो सड़क है उसकी तरफ एक कैमरा जरूर लगवाएं। हमारे जो हल्का इंचार्ज है, हमारे चौकी इंचार्ज है, हमारे SHO हैं, ये शीघ्र ही आपके संपर्क में रहेंगे और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी हेल्प है या कोई डायरेक्शन उनसे चाह रहे हैं अपराध नियंत्रण के सापेक्ष, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और उनसे एक बेहतर समन्वय बना करके हम अपनी कॉलोनीज को, अपने एरियाज को और भी सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।